असलम मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टी वी दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए और उन बेरोज़गार अफराद के लिए जो कि वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं और आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप गाइड करूँगा कि आप ज़ीरो नॉलेज के साथ एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए शर्त यह कि आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो और प्लस आप उस वेबसाइट से पैसे कैसे कमा सकते हो और मैं आपको दावे से कहता हूं कि इंटरनेट पर उर्दू जुबान में ये सबसे ज़्यादा आसान वीडियो होने वाली है जिसमें आप एक वेबसाइट बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट किया करते हैं कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है यार वीडियो को लाइक करने से हमारे अंदर एक नया जज्बा पैदा हो जाता है नई एनर्जी बढ़ जाती है और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल असद अली टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम अब आप जैसे 22 लाख ,00 दोस्तों का मजमु बन चुके हैं और असद अली टीवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक चैनल है तो दोस्तों बात करते हैं कि आप वेबसाइट से लाखों रुपया कैसे कमा सकते हो और इसके अलावा मैं आपको स्टेप बाई स्टेप वेबसाइट बनाने का तरीका भी बताऊँगा लेकिन सबसे पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आपको पैसे आएंगे कहाँ से एक्चुअली जो आपकी एक वेबसाइट होती है वहाँ पर आप अपने आइडियाज़ जो है वो डिस्कस करते हो अपने आइडियाज़ लिखते हो आर्टिकल्स की सूरत में और वेबसाइट uh, में और यूट्यूब में फ़र्क मैं आपको सबसे पहले बता दूं अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो डेफ़िनेटली यूट्यूब पे ही देख रहे हो तो यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस होती हैं इनके ऊपर एड्स चलाए जाते हैं और उन एड्स के जो पैसे हैं वो क्रिएटर को मिलते हैं जो वीडियो बनाने वाला होता है उसको मिलते हैं और इस तरह एक YouTube पे वीडियो बनाने वाला बंदा अर्निंग कर सकता है और वेबसाइट पर भी यही जो है एग्जाम्पल सूट करती है कि वेबसाइट पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप अपनी वीडियोस नहीं अपलोड करते वीडियोस नहीं बनाते बल्कि रिटर्न फॉर्म में जो आर्टिकल्स हैं वो अपलोड करते हो वो डालते हो और उन रिटर्न आर्टिकल्स पर एड्स लगाए जाते हैं कि जब भी कोई रीडर आपकी वेबसाइट पर किसी भी आर्टिकल को पढ़ने आता है तो साथ में उसको ऐड भी नज़र आ रहा होता है और उस एड पर जितने लोग भी क्लिक करके उस ऐड पर डाइवर्ट हो जाएंगे तो वो आपको रेवेन्यू मिलेगा वो आपको पैसे मिलेंगे और ये पैसे लाखों रुपए में भी हो सकते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किन टॉपिक्स पर जो है अपनी वेबसाइट्स बना सकते हो तो जनाब इसका जवाब ये है कि आप किसी भी टॉपिक पर अपनी वेबसाइट बना सकते हो डिपेंड करता है कि किस टॉपिक में किस कैटेगरी में आपका पर्सनल इंटरेस्ट है किस नीच में आप जो है वो जाना चाह रहे हो मसलन आप फ़ैशन में वेबसाइट बना सकते हो ट्रैवल पर बना सकते हो हेल्थ के रिलेटेड बना सकते हो इसके अलावा फ़ूड के रिलेटेड बना सकते हो इसके अलावा न्यूज़ के बारे में हो सकती है और इसके अलावा ट्रैवल ब्लॉग हो सकता है आपका स्पोर्ट्स के बारे में आप वेबसाइट बना सकते हो और इसके अलावा अगर आप फिल्म के बारे में बताना चाह रहे हो कि जो मूवीज़ आ रही हैं उनके बारे में अपनी राय दे सकते हो और इसके अलावा आप फूड ब्लॉगिंग भी कर सकते हो और इसके अलावा आप पॉलिटिक्स पर भी बात कर सकते हो और बहुत से ऐसे और टॉपिक्स जो आप चाहते हो कि दुनिया को बताना जो आपको नॉलेज है जो आप जानते हो तो आप उनके बारे में लिख सकते हो और सबसे अच्छी बात बताऊं, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो और उर्दू भी आप जो है वो सपोर्ट की जाती है कि आप उर्दू पर भी गूगल एडसेंस को अटैच कर सकते हो लेकिन इंग्लिश में अपने आर्टिकल्स को जो रैंक करना है वो नस्बता काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि काफ़ी लोग ये कहेंगे कि हमें लिखना नहीं आता हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन लिखना क्योंकि एक आर्ट है एक स्किल है तो हम क्या करें तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि आजकल मार्केट में बहुत से आर्टिकल राइटर्स जो हैं वो हायर किए जा सकते हैं आप पैसे देकर आर्टिकल्स किसी और से लिखवा सकते हैं किसी भी टॉपिक पर और उन आर्टिकल्स को आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हो और इस तरह भी आप पैसे कमा सकते हो तो दोस्तों बात करते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है और ये कितना आसान है क्या एक ज़ीरो नॉलेज वाला बंदा भी बना सकता है तो जी हाँ बिल्कुल बना सकता है दोस्तों वेबसाइट के लिए बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है एक डोमेन की और दूसरी होस्टिंग की तो जनाब मैं इसको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करता हूं डोमेन किसी भी वेबसाइट का वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस को टाइप करके आप उस वेबसाइट तक पहुँचते हो या ऐसा कह लें कि अगर किसी एक दोस्त ने आपको कॉल करनी हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसकी जरूरत पड़ेगी और उसी मोबाइल नंबर को डायल करके वो आपसे रब्ता कर पाएगा तो किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन नाम है डोमेन नेम है आप समझ लें कि वो बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह बिहेव करता है कि उसी डोमेन को टाइप करके वो आपकी वेबसाइट तक पहुँच सकता है तो दोस्तों डोमेन नेम की जो एग्जाम्पल्स हैं मिसाल के तौर पर यूट्यूब डॉट मिसाल के तौर पर फेसबुक डॉट मिसाल के तौर पर Blogger.com डॉट मिसाल के तौर पर WordPress.com प्रेस डॉट मिसाल के तौर पर होस्टिंगर डॉट कॉम ये तमाम नाम जो मैंने बताए हैं ये एक्चुअली इनको टाइप करके एंटर करेंगे अपने ब्राउज़र में तो आप इनकी वेबसाइट तक चले जाओगे तो इसी तरह सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो सिलेक्ट करना होता है और उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है और दोस्तों किसी भी डोमेन नेम को रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी होती है आपको सालाना बुनियादों पर वो पे करना होती है किसी भी डोमेन को अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा नहीं हैं पाकिस्तानी दो से तीन हज़ार रुपयों में आप पूरे साल के लिए डोमेन जो है वो अपने लिए बुक कर सकते हो रजिस्टर कर सकते हो और हर साल आपको ये दो तीन हज़ार रुपया सालाना पे करना होता है और अब आपने अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन तो ख़रीद ली लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि डोमेन का करेंगे क्या तो जनाब ये जो डोमेन है आपको अटैच करना होती है किसी होस्टिंग के साथ ऐसे ही जैसे आप एक सिम खरीदते हो तो वो सिम जो डालनी होती है आपने किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर ताकि उस सिम को चलाया जा सके तो इसी तरह वेब होस्टिंग जो है वो मिलकर काम करेगी डोमेन के साथ तभी आप अपनी वेबसाइट बना सकोगे अब होस्टिंग क्या बला है मैं बिल्कुल आपको तफसील से और बिल्कुल सादा लफ्जों में बताता हूँ होस्टिंग वो वेब सर्वर होता है वो कंप्यूटर होता है जिसमें आपकी वेबसाइट का सारा डाटा पड़ा होता है सारा डाटा बेस पड़ा होता है सारी फ़ोटोज़ और सारे आर्टिकल्स पड़े होते हैं और ये डाटा अगर डिलीट कर दिया जाए तो आपकी जो वेबसाइट है वो खुल ही नहीं पाएगी तो इसलिए किसी भी वेब होस्टिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है तो वेब होस्टिंग जब भी आप ख़रीदें किसी वेल नोन कंपनी की खरीदें जो कि अच्छी हो मसलन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वेबसाइट बनाने के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग सर्विस लेना चाह रहे हैं तो होस्टिंगर सबसे बेहतरीन हो, वेब होस्टिंग आपको प्रोवाइड कर रही है और वेब होस्टिंग के जो रेट्स हैं वो भी डिफर uh, करते हैं कि आप कौन सा पैकेज लेते हो लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग ख़रीदना चाह रहे हो तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस लिंक पर क्लिक करके भी होस्टिंग ख़रीद सकते हो और इसके अलावा अगर आप मेरा एक ख़ास कोपन यूज़ करोगे असद अली टीवी तो असद अली टीवी वी कोपन इस्तेमाल करने से आपको मज़ीद सात परसेंट की जो है रायत मिल जाएगी आपको डिस्काउंट मिल जाएगी कोपन अप्लाई करके तो चलिए देखते हैं कि होस्टिंगर के जो पैकेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और होस्टिंगर के जो रेट्स हैं वो क्या हैं तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो मकबूल तीन इनके प्लान्स हैं जिसमें सिंगल वेबसाइट के लिए प्रीमियम में आप 100 वेबसाइट्स तक अटैच कर सकते हो और बिजनेस के लिए भी आप 100 वेबसाइट्स लेकिन उसमें आपको टू हंड्रेड तक जो डाटा मिलेगा लेकिन आप चेक कर सकते हो कंपेयर कर सकते हो कि कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंगल वेबसाइट का जो रेट है वो टू डॉलर्स पर मंथ है जबकि प्रीमियम का जो रेट है वो थ्री डॉलर्स पर मंथ तक है जबकि बिज़नेस का जो रेट है वो फाइव डॉलर्स पर मंथ तक है इसमें आप एक वेबसाइट अटैच कर सकते हो सिंगल के लिए अगर आपने एक ही वेबसाइट कह लें कि बनानी है तो एक वेबसाइट के लिए ये बेहतरीन है लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन है वो ये प्लान है यानी प्रीमियम प्रीमियम में आपको 100 वेबसाइट्स तक का कोटा मिलेगा और इसके अलावा एस स्टोरेज मिलेगी सौ जी और अनलिमिटेड बैंडविथ मिलेगी और इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के जो फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप वेबसाइट जो है वो स्टेप बाय स्टेप सेटअप कर सकते हो तो मैं अब आपको वेबसाइट बनाने का तरीका बताऊंगा होस्टिंगर वेब होस्टिंग को इस्तेमाल करते हुए तो होस्टिंगर के मैं पैनल में जा रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने कि कैसे आप वेबसाइट को सेटअप कर सकते हो तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर तो दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो तो इसके लिए आपने सिंपली यही मेरी जो वीडियो है इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है तो आपको यहाँ पर एक लिंक नजर आ रहा होगा आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है वैसे मैं आपको मैनुअली बता भी देता हूँ ये लिंक है होस्टिंगर सद अली टीवी तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी ब्राउजर में टाइप कर सकते हो तो इस लिंक पर आप क्लिक करो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वेब पेज पर आ जाओगे और इस वेब पेज पर आपको ये जो होस्टिंग प्लान है ये सिलेक्ट करना है ये मोस्ट पॉपुलर प्लान है और यही सबसे बेस्ट है इस पर आप एक से ज़्यादा अपनी जो वेबसाइट्स है वो अटैच कर सकते हो एक से ज़्यादा डोमेन्स अटैच कर सकते हो लेकिन ये जो प्लान है सिंगल शेयर्ड होस्टिंग वाला इसमें आपको ये नुकसान होगा कि सिर्फ आप एक ही वेबसाइट बना सकते हो और इस पैकेज का नाम है प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग तो प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग ही मोस्ट पॉपुलर है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली जो है अपनी सारी जो डिटेल्स ये मांगेगा वो दे देंगे लेकिन याद रखेंगे सबसे पहले वो आपसे ये पूछेगा कि आप इस होस्टिंग प्लान को एक मंथ के लिए खरीदना चाह रहे हैं बारह मंथ्स के लिए या आ, चौबीस मंथ्स के लिए या अड़तालीस मंथ्स के लिए लेकिन आप इसको एक साल यानी बारह मंथ्स के लिए ख़रीद लें काफ़ी है और बारह मंथ्स में ख़रीदने का आपको फ़ायदा ये होगा कि ये आपको सस्ता पड़ेगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको वन मंथ के लिए परचेस करेंगे तो ये आपको ग्यारह इशारिया नाइन्टी नाइन डॉलर्स का यानी कि अलेवन पॉइंट नाइन्टी नाइन डॉलर्स का पड़ है लेकिन अगर आप इसको ट्वेल्व मंथ्स के लिए परचेस करोगे तो ये आपको सिर्फ टू पॉइंट नाइन्टी नाइन डॉलर्स का पड़ेगा और इसके लिए सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और आप ये देखिए नीचे चेक कर आपने एक आपने 108 डॉलर बचा लिए और आपका टोटल हुआ 35.88 डॉलर्स और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपने क्या करना है यहां पर अपना जो ईमेल आईडी है वो लिख देना है जैसा कि मैं लिख दूंगा यहां पे आ, असद अली टी वी असद अली टी वी एट द रेट ऑफ जी और उसके बाद दोस्तों आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि, कि किस पेमेंट मेथड से आप इसको पे करना चाहते हो तो दोस्तों याद रखो हमेशा क्रेडिट कार्ड से पे करिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो पाकिस्तान में ईजीली चलता है आप गूगल पे से भी पे कर सकते हो लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है पाकिस्तान में वर्क करता है गूगल पे भी वर्क करता है या आप इसको क्रिप्टो के जरिए भी पे कर सकते हो लेकिन बेहतर है कि क्रेडिट कार्ड से पे करें आप किसी भी मकबूल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो जैसा कि सबसे जो बेहतरीन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो चल रहा है पाकिस्तान में आम जो डेबिट कार्ड वो चल जाता है यानी कि जो एटीएम कार्ड है वो चल जाता है लेकिन सारी बैंक्स का नहीं ये चलेगा आपका बैंक अलफला का चल जाएगा इजीली और इसके अलावा बैंक अलफला के साथ साथ मिज़ान बैंक का भी चल जाएगा और हबीब बैंक का भी चल जाएगा लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो याद रखिएगा कि आपको बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करके कहना पड़ेगा कि मेरी इंटरनेशनल पेमेंट्स वाली जो ट्रांजेक्शन है उसको इनेबल कर दें कि मैं बाहर भी पे कर सकूँ अपनी पेमेंट्स को तो वो एनेबल कर दें और जब आप एनेबल करवा लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने वो नाम लिखना है जो आपका आपके एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर मौजूद है और इसके अलावा यहां पर आपका जो भी सोलह हिंसों का कार्ड नंबर है वो आ जाएगा और यहाँ पर एक्सपायरी डेट आ जाएगी जो भी कार्ड के ऊपर लिखी होगी और यहां पर तीन हिंसों का एक सी कोड होगा जो कि कार्ड की बैक साइड पर लिखा होता है वो आपने डाल देना है बस इतना ही काम करना है और उसके बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना लेकिन रुकीये इससे पहले एक काम कर लें जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगी और वो काम ये है कि अगर आप हैव ए कोपन कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोपन कोड जो मेरा कोपन कोड है असद अली टीवी अगर टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको सात परसेंट डिस्काउंट मिलेगी और उसका सबूत ये है कि जैसे ही देखिए मैं असद अली टीवी लिखूंगा उसके बाद प्लस के बटन को क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये थर्टी फाइव डॉलर से थर्टी थ्री डॉलर जो है वो हो चुके हैं थर्टी थ्री पॉइंट थ्री सिक्स यू एस डी तो आपको तकरीबन लगभग तीन डॉलर्स की जो है वो छूट मिली है तो जो कि काफ़ी है सेवन परसेंट डिस्काउंट आपको मिल चुकी है तो इसलिए आप ये कोपन कोड असदरी टी ज़रूर ऐड कर लें और उसके बाद आपने सारी जो अपनी डिटेल्स दिखनी है उसके बाद आपने सबमिट्स सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना है लेकिन क्लिक करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें तीन चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी मुफ्त मिलेंगी एक एस एस एल सर्टिफिकेट एक्टिवेशन फ्री होगी और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें डोमेन आपको फ्री मिलेगी वही डोमेन जो कि ज़रूरी है आपकी वेबसाइट बनाने के लिए तो इसमें आप एक डोमेन फ्री ले सकते हो और इसके अलावा सेटअप जो है वो आपका फ्री होगा यानी कि आप जब भी वेबसाइट बनाओगे तो आपकी वेबसाइट का सेटअप फ्री होगा आप जस्ट चंद क्लिक्स में जो है अपनी वेबसाइट बना सकते हो तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफर की जा रही हैं तो उसके बाद आपने लास्ट इस पे सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर देना है दोस्तों अपनी वेब हॉस्टिंग को साइन अप करने के बाद अब आपको सी पैनल में जाना होगा और सी पैनल में जाने के लिए सिंपली आप हॉस्टिंग डॉट कॉम स्लैश सी पैनल डैश लॉगिन अगर टाइप करेंगे अपने डैस् बार में तो आप इस वेब पेज पर पहुंच जाओगे और दोस्तों यहां पर आपको अपना ईमेल देना होगा दोस्तों अगर आपको अपना ईमेल याद है लेकिन पासवर्ड याद नहीं है तो घबराने की बात नहीं है आप फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करके दोबारा जो अपना पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हो लेकिन सिर्फ आपको ई याद रखना होगा और ये वही ई मेल है जो आपने साइन अप करते वक्त दिया था तो उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक और दोस्तों जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा मेरा जो सी पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सिंपली जो है मैं सेटअप कर लूँगा अपनी प्रीमियम शेड हॉस्टिंग को और दोस्तों यही वो प्रीमियम शेड हॉस्टिंग है जो पैकेज मैंने परचेज किया है ख़रीदा है लेकिन अब ये देखें यहाँ पर सबसे मज़े की चीज़ ये है जो आपको समझना भी ज़रूरी है और वो ये है कि यहाँ से आप चंद क्लिक्स की मदद से जो है अपनी वेबसाइट जो है बना सकते हो और हम इस टाइम सी पैनल में मौजूद हैं यानी कि होस्टिंग पैनल में मौजूद हैं और इसको एच पैनल भी कहता है होस्टिंगर और एच पैनल में सिंपली हम क्या करेंगे आप देख सकते हैं कि प्रीमियम शेयड होस्टिंग के आगे सेटअप लिखा है हम सिंपली जो है सेटअप पर क्लिक कर देंगे जैसे ही हम सेटअप पर क्लिक करेंगे तो वो हमें कह रहा है कि आप स्टार्ट करो स्टार्ट नाव पर क्लिक करके तो जैसे ही मैं स्टार्ट नाव पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों वो मुझसे पूछ रहे आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट फॉर माई सेल्फ अ क्लाइंट अ कंपनी आई वर्क फॉर एल्स तो मैं यहां पर कहूंगा कि बिल्कुल मैं ये वेबसाइट अपने लिए तैयार कर रहा हूं और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि ये वेबसाइट क्या चीज़ है ये बिज़नेस है एक ब्लॉग है एक पोर्टफोलियो है या एक ऑनलाइन स्टोर है या कोई और चीज़ है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा कि ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिस पर मैं आर्टिकल्स पब्लिश करूंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी डिटेल में लिखा हुआ दिस इज़ अ ब्लॉगिंग वेबसाइट फॉर पब्लिशिंग आर्टिकल्स तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि ये वेबसाइट जो है किसी प्रोफेशनल क्रिएटर की है या अभी एक्सपीरियंस्ड इन क्रिएटिंग मल्टीपल वेबसाइट अगर आप पहले से काफी ज्यादा वेबसाइट बना चुके हो या आप बिगनर बट आई हैव सम एक्सपीरियंस या आप एक बिगनर हो और uh, आपको थोड़ा बहुत तजर्बा है या क्रिएटिंग माई फर्स्ट वेबसाइट या वो पूछ रहा है कि आप पहली बार जिंदगी में जो है वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो मैं यहाँ पर कर दूंगा क्रिएटिंग माई फर्स्ट वेबसाइट और आपको भी यही करना होगा ताकि वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टेप बाई स्टेप गाइड करता रहे देखिए कितना आसान है बनाना वो सब कुछ आपसे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा क्रिएटिंग माई फर्स्ट वेबसाइट तो आई हैव नेवर डन दिस बिफोर और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि ये जो वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो ये वर्ड की हो या वू कॉमर्स प्लस वेब वर्ड प्रेस की हो या किसी और सी के लिए हो या आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना चाह रहे हो देखिए कितने मज़े की चीज़ें हैं दोस्तों तो मैं आपको पहले बता दूं इन सारी चीज़ों का मतलब वर्ड एक ज़बरदस्त किस्म का सी सिस्टम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड क्या करता है कि ये आपको रेडीमेड एक थीम दे देता है सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करके दे देता है कि आपको कोडिंग ना करनी पड़े हाँ अलबा अगर, अगर आप वर्ल्ड के उस थीम में तो कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है कि आप उस कोडिंग के जरिए उसमें तब्दीली कर सकते हो लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले से एक बेहतरीन थीम सेलेक्ट कर लेते हो तो मैं जनाब वर्ल्ड प्रेस को सिलेक्ट करूंगा और मैं आपको भी यही सुजेस्ट करूंगा कि आप वर्ल्ड प्रेस को ही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें आ, काम करना आसान है तो मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा और दोस्तों वो अगले स्टेप में मुझसे पूछा कि आप क्रिएट आ वर्ल्ड अकाउंट जो है वो सेटअप कर लें तो इसमें मैं अपना एक ई एड्रेस दे दूँगा असद अली ही और या कोई मैं अपनी मर्जी का ईमेल और भी दे सकता हूं और यहां पर मैं एक पासवर्ड सेट कर लूंगा और याद रखिएगा ये पासवर्ड आपने बोलना नहीं है तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा जो थीम है जो आपको पसंद है कि आप सेलेक्ट कर लो देखिए ये बहुत मज़े की चीज़ है कि आपको बना बनाया जो वर्ड में थीम मिल जाता है जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो तो अब यहाँ पर जो भी थीम्स हैं आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चेक कर सकते हो देखो कितने ज़्यादा थीम्स हैं कितनी ज़्यादा जो टैम्पलेट्स हैं पहले से तो आप क्या करोगे सिंपली जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसको मजीद ज़रा देखना चाह रहे हो डिटेल से तो आप क्या कर सकते हो किसी भी थीम के ऊपर कर्सर लाओ अपना माउस लाओ उसके बाद प्रव्यू पर क्लिक कर लो जैसे ही मैं प्रव्यू पर क्लिक करूँगा ये देखें तो ये आप, मुकम्मल डिटेल्स से जो थीम है मुझे दिखा दिया जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसी नज़र आएगी अच्छा प्रीव्यू का मकसद ये होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट बना लोगे तो उसकी जो लेआउट है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी तो दोस्तों मैं अब इसमें क्रिएटिव ब्लॉग जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके लिए मैं इसका प्रव्यू एक बार फिर कर लूँगा और लेकिन यहाँ पर एक बहुत मज़े की चीज़ आपको मैं दिखाऊँगा अच्छा क्रिएटिव ब्लॉग में क्या होगा कि आप चेक करें कि इसमें ये जो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तीन ऑप्शन इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये जो आपको टैंपलेट दिया जा रहा है ये जो थीम दिया जा रहा है ये आपको कंप्यूटर पे कैसा नजर आएगा और दूसरे नंबर पर ये आपको टैब पे कैसा नजर आएगा और तीसरे नंबर पर ये आपको मोबाइल फोन पर कैसा नजर आएगा आप इस पर सकते हो कि आपकी वेबसाइट जो है उसका जो लेआउट और उसका डिज़ाइन है मोबाइल फ़ोन पर कैसा नज़र आएगा डेफिनेटली आपकी ज़्यादातर जो ट्रैफिक है वो मोबाइल फ़ोन से ही आएगी इसलिए मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं आप सिर्फ ये ना हो कि कंप्यूटर पर देखते रहें कि आपकी कंप्यूटर पर जो लेआउट है वो कैसी नज़र आ रही है मोबाइल फ़ोन को लाजमी आपने कंसिडर करना है तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के लिए सिंपली अब हम प्रिव्यू नहीं करेंगे बल्कि सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे जैसे ही हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे कह रहा है कि जी आप एक डोमेन ज़रूर अटैच करें या तो बाय आ डोमेन नई डोमेन ख़रीदें या आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन या आपके पास पहले से अगर कोई डोमेन मौजूद है तो वो अटैच कर लें आपको दोनों चॉइसिस हैं लेकिन रुकीये रुकीये रुकिए खुशखबरी ये है वो कह रहा है कि अगर आपके पास डोमेन नहीं है और आप पैसे भी नहीं बनना चाह रहे तो क्लेम आ फ्री डोमेन जी हाँ आपके पैकेज के साथ आपको एक मुफ्त में जोमेन दी जा रही है बिल्कुल फ्री तो वो बिल्कुल फ्री आपके इसी पैकेज के साथ शामिल है आपने सिंपली क्लेम में फ्री जोमेन को सिलेक्ट कर लेना है जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी डोमेन जो आप लेना चाह रहे हो जो अपने लिए आप बुक करना चाह रहे हो रजिस्टर करना चाह रहे हो तो सिंपली वो लिख दे मसल मैं लिखूंगा आई एम असद आई एम असद मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि असद मेरा नाम है और मैं आई एम इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ क्योंकि असद अकेला तो नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा कि कौन सा आप मुझे चाहिए डॉट नेट में डॉट कॉम में या आ, मैं डॉट कॉम में लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डॉट कॉम सेलेक्ट कर लूँगा तो अब मेरी डोमेन बन रही है जी आई एम असद डॉट कॉम तो ये कह रहा है कि जी ये डोमेन जो है ये रिन्यू होगी तेरह डॉलर तकरीबन चौदह डॉलर थर्टीन पॉइंट नाइन्टी नाइन डॉलर्स पर ईयर में यानी कि अगले साल मुझे चौदह डॉलर देने पड़ेंगे एक साल के लिए लेकिन ये जो पहला साल है ये बिल्कुल फ्री है तो आई एम असद डॉट कॉम जो है अब मैं सर्च करूँगा क्या ये अवेलेबल भी है या नहीं तो ये बहुत ज़रूरी है तो जहाँ मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि ये डोमेन दस्तियाब है या नहीं तो मुबारक हो मुझे कि ये डोमेन जो है वो दस्तियाब है डोमेन इज़ अवेलेबल तो अगर अब अवेलेबल है तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर सकता हूँ नहीं तो मुझे इसको चेंज करना पड़ता तो आई एम असद डॉट कॉम जो है मैंने ये डोमेन जो है वो सिलेक्ट कर ली है और इसको अब मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली कॉन्टिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा जैसे ही मैं कॉन्टीवू पर क्लिक करूँगा तो वो मुझे कह रहा है कि लेट्स फिनिश सेटिंग अप फिनिश सेटअप पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फ़िनिश सेटअप पर क्लिक करूंगा, तो उसके बाद जो मेरी वेबसाइट है वो सेटअप हो जाएगी लेकिन उसके बाद मुझसे वो मज़दीद कुछ पूछ रहा है वो मुझसे पूछ रहा है कि जो आपकी डोमेन है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ बुनियादी मालूम चाहिए होंगी तो उसके लिए मैं सिंपली इसको बिल्कुल बता दूंगा कि जी मेरी जो मालूम है वो क्या है मैं सबसे पहले अपना कंट्री जो है वो बताऊँगा मेरा कंट्री पाकिस्तान है और इसके अलावा जो मेरा पर्सनल यूज़ है तो पर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं है तो मैं पर्सनल को सिलेक्ट रखूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे अपनी तमाम जो इन्फॉमेसन है वो देनी होगी दोस्तों अपनी सारी मालूम देने के बाद आपने सिंपली फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आपकी जो वेबसाइट है वो बनने जा रही है योर वेबसाइट इज़ रेडी तो थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है और ये तीन चीजें आपको नजर आ रही है। नज़र आ हैं वर्ल्ड प्रेस डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं व्यू यूअर वेबसाइट और इसके अलावा कंट्रोल पैनल आपको नज़र आ रहा है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने अपनी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल लिखना है पोस्ट डालनी है या कोई भी चीज़ अपलोड करनी है तो वो आपको वर्ल्ड डैशबोर्ड में जाकर करना होगा और इसके अलावा अगर आपने वेबसाइट वैसे देखनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो और इसके अलावा कंट्रोल पैनल में जाकर आप जो बाकी चीज़ें हैं वो सेटअप कर सकते हो जो कि होस्टिंगर का अपना कंट्रोल पैनल है तो सबसे पहले तो मैं व्यू वेबसाइट पर क्लिक करूंगा आपको दिखाने के लिए तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट से कोई पोस्ट करना चाह रहे हो या अपनी वेबसाइट के वर्ड प्रेस का जो मेन डैशबोर्ड है उसमें जाना चाह रहे हो ताकि आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सको उसमें पोस्ट जो है नहीं कर सको तो उसके लिए सिंपली अपनी वेबसाइट का जो यू आर एल है वो लिख दें जैसे मैं लिखूँगा आई एम असद डॉट कॉम ये है मेरी वेबसाइट का यू आर एल उसके बाद मैं स्लैश डालूँगा और स्लैश डालने के बाद मैं लिखूँगा डब्ल्यू पी डैश एडमन दोस्तों जब मैं स्लैश डब्ल्यू पी एडमन टाइप करके एंटर करूँगा तो एंटर करने के बाद दोस्तों ये स्क्रीन जो आएगी यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर मुझे देना होगा तो यूज़र नेम में वही ई है जो कि हमने दी थी असद अली टी वी एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम और पासवर्ड जो हमने सेट किया था हम वो पासवर्ड लगा लेंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे यानी कि लॉगिन करेंगे तो अब हम लॉगिन हो जाएंगे वर्डप्रेस के जो मेन जो डैशबोर्ड है जहाँ से पूरा वर्डप्रेस हम कह लें कि डिज़ाइन कर सकते हैं पूरी वेबसाइट को हम छेड़ सकते हैं नई पोस्ट कर सकते हैं इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं थीम चेंज कर सकते हैं हर चीज़ यहीं से हम कर पाएंगे तो दोस्तों अब सिंपली ये है वो मेन डैशबोर्ड और इस डैशबोर्ड में हम क्या कर सकते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा और दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि इसमें हम पोस्ट कैसे करेंगे कोई आर्टिकल कैसे लिखेंगे कैसे अपना कोई भी जो आर्टिकल है वो पब्लिश करेंगे तो बहुत ही आसान है सबसे पहले आप मेन डैशबोर्ड में, डैश में आए तो आपको देखे नीचे लिखा नज़र आ रहा है पोस्ट अगर आप पोस्ट वाले ऑप्शन पर अपना माउस लेके कर जाएंगे तो साथ ही आल पोस्ट लिखा नज़र आएगा और साथ ही उसके नीचे जो है एड न्यू लिखा नज़र आएगा आपने जस्ट नई पोस्ट करने के लिए या नया आर्टिकल पब्लिश करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप एड न्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी उस पोस्ट का जो टाइटल है वो लिख सकते हो मसल मैं यहाँ पर लिखूँगा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखने के बाद आपने सिंपली इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और आप जो भी चीज़ ऐड करना चाह रहे हो आप ऐड कर सकते हो मसलन इमेज ऐड कर लो या आप पैराग्राफ ऐड कर लो और मैं मसलन पैराग्राफ पूरा एक ऐड करना चाह रहा हूँ तो पैराग्राफ पे क्लिक करूँगा और जो भी पैराग्राफ है मैं टाइप कर लूँगा या मैं पेस्ट कर लूँगा ये मेरी मर्जी है तो ये सारा पैराग्राफ मैंने पेस्ट कर दिया है तो उसके बाद दोस्तों मैंने अब एक इमेज ऐड करना इमेज ऐड करने के वही दो तरीके हैं कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी इमेज ऐड कर सकते हो पोस्ट के अपनी उस पैराग्राफ के सेंटर में भी तो अपना ऐड कर सकते हो लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो है वो सिंपली यहाँ से आ जाओ यहाँ से ऐड करना आसान है और प्रॉपर वे यहीं से है एक इस साइड से आप चेक कर सकते हो काफ़ी ऑप्शंस आपको लिखी नज़र आ रही है लेकिन फीचर्ड इमेज जो है प्रॉपर एक ऑप्शन होता है जिससे आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो तो मैं यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ये पाकिस्तानी फ्लैग जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसका नाम वगैरह कुछ भी दे दूँगा इस इमेज का और उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पर uh, दोबारा जो है uh, क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली uh, क्या करूँगा आप uh, आप इसको पब्लिश कर सकते हो या प्रव्यू करके देख सकते हो इसको प्रव्यू करके देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप तमाम तब्दीलियाँ सेव करने से पहले तमाम चेंजेस जो है करने से पहले प्रव्यू कर लो तो बेहतर है तो ये वो पूछ रहा है कि प्रव्यू किस फॉर्मेट में करना चाह रहे हो कंप्यूटर के फॉर्मेट में कि कंप्यूटर में आप देखो तो आपकी पोस्ट कैसे नजर आए या आप अपने मोबाइल में देखना चाह रहे हो तो आपकी पोस्ट कैसे नजर आए तो मैं सबसे पहले तो डेस्क कंप्यूटर जो डेस्कटॉप आपका पी होता है उसको सिलेक्ट रहने दूंगा और प्रव्यू तो इन न्यू टैब पर क्लिक करके चेक कर लूँगा कि मेरी पोस्ट जो है वो कैसी नज़र आएगी तो आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें आपका टाइटल भी आ गया आपकी जो फ़ोटो जो इमेज थी वो भी आ गई और साथ में जो आपका टेक्स्ट है जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो भी आ गई है तो अब आप चाहो तो यहाँ पर जाकर इसको पब्लिश कर सकते हो अगर आप पब्लिश पर क्लिक करोगे तो ये जो आर्टिकल है ये आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा तो देखें पब्लिश हो चुका है तो अब आप दोबारा व्यू पोस्ट पर क्लिक करके अपने इस आर्टिकल को चेक कर सकते हो ये तो जस्ट मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए क्योंकि टाइम बहुत कम है वीडियो बहुत लंबी हो गई है मैं इन आपको एक एक चीज़ का मकसद एक एक टूल का इस्तेमाल प्रॉपर वर्ड प्रेस को कैसे इस्तेमाल करना है एक नई वीडियो बनाकर समझाऊंगा क्योंकि आज की वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बनाकर दिखाना था आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं आपको सिखाना था और प्रॉपर वेबसाइट बनाने के बाद आपने आर्टिकल्स कैसे अपलोड करने हैं कैसे जो है सारे टूल्स को यूज़ करना है इस पर इनशाला वीडियो बहुत जल्द आएगी और अगर आपको ये वीडियो चाहिए इसी तरह जिस तरह आज आसान तरीके से मैंने समझाया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ीद न्यू वीडियो चाहिए और दोस्तों सबसे लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि यार अगर वाकई आप एक अच्छी वेब होस्टिंग लेना चाह रहे हो तो यार इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ये देखें आपको मैं लिंक दिखा रहा हूँ इस तरह का ये लिंक होगा होस्टिंग डॉट कॉम टी वी आप इस लिंक पर क्लिक करके होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो इससे आपको बेस्ट होस्टिंग भी मिलेगी और इसके अलावा असद अली टी वी जो कूपन कोड है उसको इस्तेमाल करके मज़ीद सात परसेंट डिस्काउंट भी हासिल कर सकती हो जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तो आप आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो और आर्टिकल्स लिखने के ऊपर जो भी आपकी ट्रैफिक आएगी उस पर आप अर्निंग कर सकते हो कैसे जनाब उसका तरीका सिंपल ये है कि आपको सिंपली गूगल एडसेंस का जो अकाउंट है वो साइन अप करना पड़ेगा अपनी जीमेल की आईडी की मदद से और जब आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट अप हो जाएगा तो आप अपने उस गूगल एडसेंस को अटैच कर दोगे अपनी वेबसाइट के साथ सबसे पहले तो गूगल Adsense जो है वो आपकी उस वेबसाइट को चेक करके अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा कि वाकई क्या आपकी वेबसाइट इस काबिल है आपके आर्टिकल्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट तो नहीं है याद रखिएगा कि कभी भी आपने अपनी वेबसाइट पे जो आर्टिकल्स हैं जो भी आप लिख रहे हो वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं डालना यानी किसी और के आर्टिकल्स आपने उठाकर नहीं डाले अपने यूनिक आर्टिकल्स ख़ुद टाइप करने हैं खुद लिखने हैं ख़ुद आपकी यूनिक क्रिएशन होनी चाहिए तभी जो है गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट को अप्रूव करेगा और इसके अलावा मैं मज़ीद आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौर आपने अप्रूवल की जो रिक्वेस्ट है वो नहीं भेजनी पहले आपने यूनिक किस्म के 30 से 40 आर्टिकल्स जो है वो अपनी वेबसाइट पे लिखने हैं डालने हैं उसके बाद आपने गूगल एडसेंस को रिक्वेस्ट भेजनी है कि वो आपकी वेबसाइट को अप्रूव करने के बाद जो है आपकी वेबसाइट पर अर्निंग का जो सिलसिला है वो स्टार्ट कर सके और आपकी वेबसाइट पे जो एड्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो सके दोस्तों अगर आप होस्टिंगर वेब होस्टिंग को परचेज़ करना चाहते हैं तो होस्टिंगर की वेब होस्टिंग का जो लिंक है मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप वहाँ से क्लिक करके बड़ी आसानी से होस्टिंगर का जो सबसे बेहतरीन प्लान है जो मैंने आपको वीडियो में बताया है आप उसको ख़रीद सकते हो और अगर आप असद अली टी वी को यूज़ करोगे ख़रीदते वक्त तो आपको सेवन परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अला हाफिज